पीवी रमना जैसा मारता था वैसी अभी पीवी सिंधु मार रही है। लॉकडाउन विद लेजेंड में आज हमारे साथ हैं एक अर्जुन अवार्डी, एक द्रोणाचार्य अवार्डी, एशियन गेम्स मेडलिस्ट और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जी ई श्रीधरन। अन्ना कैसे हैं आप? हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। बस फर्स्ट क्लास है। नाइस टू सी यू यार, बहुत साल हो गया आपको देख के। तमिलनाडु में कैसी सिचुएशन है अभी? हाउ इज द लॉकडाउन? लॉकडाउन कोरोना कोटि तमिलनाडु में है लॉकडाउन, बट कोयम्बतूर में ठीक है, ग्रीन ये है, इधर उतना ये नहीं कम है, मगर घर से बाहर निकलते ही नहीं। मॉर्निंग टाइम वी डू सम एक्सरसाइज एंड ऑल इन द डाउन एंड कम बैक। या सबसे पहले बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको, आपने 50 साल से ज्यादा दिए हैं वॉलीबॉल को, हाफ सेंचुरी भी आप पार कर चुके हैं और आज भी आप फिट हैं, स्मार्ट हैं एंड यू आर गेटिंग यंगर डे बाय डे। 55 इयर्स हो गया है बिकॉज नाउ माइंड एज इज 66। आई स्टार्टेड वॉलीबॉल इन 11 इयर्स और जो स्टार्ट किया ना वो भी बड़ा ट्रेजेडी है। 11 साल का था मैं स्कूल में, स्कूल का हैदराबाद में था मैं, बिकॉज माई फादर वॉज वर्किंग इन द मिलिट्री, देन जॉइंड इन पोस्ट एंड टेलीग्राफ। सो फर्स्ट सेलेक्शन आई वेंट देयर फॉर स्कूल, इंटर स्कूल ऑल इंडिया स्कूल गेम्स, वहां पर बड़ा लाइन लगी हुई थी सिलेक्शन वॉलीबॉल के लिए, तो मैं भी जाके लाइन में खड़ा हुआ था। द फर्स्ट मैन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लाइन इज माई नेम, दे टोल्ड मी you are not fit for volleyball. It was 1965. Then what happened? I went back. Then after next day, because it is nearby my house, the ground is nearby my house, I am coming every day and doing morning practice on volleyball. Oh, jaisa hi next day 3-4 din ke baad ek lineup hua hai, team selection ho gaya unka, Delhi jana tha, Delhi mein All India School Games tha. और एक डीईओ बोल के होता है जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, सो ही इज द इंचार्ज फॉर दैट एंड ही केम देयर ऑन द डे एंड ही वाज आस्किंग ऑल द लाइनअप करो भाई कौन कौन जा रहे हैं दिल्ली एंड ही वाज टेलिंग दैट सर दिस प्लेयर्स आर गोइंग। देन ही सेड अरे एक ही स्कूल से 5 लोग कैसा हो सकता है, 4 ही लोग जाना है यार, रूल 4 ही लोगों का है, 5 लोग नहीं जा सकते। तो इतने में वो कोच बोल रहे थे कि सर सिलेक्शन हो गया सर, वो ऐसा टर्न करके मेरे तरफ देखा है, मैं वॉल में पास दे रहा था, तो वो मेरे को बुलाए वो डीओ, पूछा है कि आपने ये सिलेक्शन अटेंड किया? हाँ सर अटेंड किया है बट आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। नो यू आर सेलेक्टेड बोल के मेरे को खड़ा किया, वो है मेरा वॉलीबॉल स्टार्टिंग। दैट वॉज अ लकी और व्हाट फॉर्चुनेट, so I have been selected। और आपको मालूम होगा जज उस दिन में हैदराबाद से दिल्ली 3-4 ट्रेन में जाना है एंड इट वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट स्टार्टेड वॉलीबॉल। सो दैट वॉज इन 1965 आई गेस, तब आपने शायद आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट किया होगा। आई नो हैदराबाद, दैट टाइम ओनली स्कूल इज हैदराबाद, हैदराबाद स्कूल। लेकिन अब फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल में आए कैसे? आई हैव हर्ड कि विक्ट्री प्लेग्राउंड की बहुत ज्यादा अहमियत है आपके आपके स्पोर्टिंग करियर में। फर्स्ट टाइम बिकॉज नो माई फादर वॉज ए मिलिट्री मैन, ही वॉज यू नो दैट मिलिट्री इज दैट टाइम वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग वेदर यू डू वर्क और नॉट, बट यू कैन नॉट स्लीप आफ्टर 5 o'clock। सो ही हैज टेकन अस माई सेल्फ, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, हम लोगों को लेके विक्ट्री प्ले ग्राउंड बोल के PPG विक्ट्री प्ले ग्राउंड नियर बाई माई हाउस एंड ही हैज टेकन अस देयर एंड वी वर नियर अबाउट 9 years, 10 years like that, and he told that there was a उस टाइम में क्या होता था, हर एक ग्राउंड में एक जनरल कैप्टन बोल के रहते थे, उस टाइम में हर एक ग्राउंड में एक जनरल कैप्टन, तो वो बस्ती रहता है ना, वो बस्ती का बड़ा आदमी कोई जनरल कैप्टन रहते थे, वैसा GP बालाराम इज वन ऑफ द बेस्ट कोच afterwards, he produced many players. वो GP बालाराम वॉलीबॉल में थे एंड ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल एवरीथिंग बट ही इज अ कोच ऑफ वॉलीबॉल। मेरा अदर ने लेके गए, ले जाके बोले कि मैं आई वॉज हैविंग वेरी हाइट शॉर्ट हाइट एंड बिग स्टमक, बड़ा मोटा था मैं, लेके गए ले जाके बालाराम साहब के पास, बोले सर ये लड़का हमारा है, ये यहाँ से 100 मीटर में घर है अपना, वो आ जाएगा डेली
आप थोड़ा उसको वॉलीबॉल सिखाइए. वो बोल रहे थे कि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड ऑन क्रिकेट. देन आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट वेरी वेल विद द वेरी बिग पीपल एंड ऑल. आई यूज टू आई प्लेड विद देम. सो सडनली दे स्टॉप दैट. दे टोल्ड वॉलीबॉल. देन जीपी बलराम ही ब्रॉट अस एंड देन ही टोल्ड बहुत मुश्किल है भाई वॉलीबॉल. तुम आई छोटा है मगर भी तुम सेट कर सकता है. मैं बोला सर मेरे को मालूम नहीं, आप बोलिए. वो ऐसा हाथ बता के देन यू शोड दैट यू हैड टू मेक अपर हैंड. देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड देयर इन 1963-64 समथिंग. फ्रॉम देयर कंटिन्यूइंग ऑन वॉलीबॉल. सो दिस वाज समथिंग सभी लोग जानना चाहते थे. और उस टाइम पे कोई जूनियर सब जूनियर कुछ नहीं था. Every Indian players or every player, it's a starting, you know, starting always needed somebody help. Somebody, some coaches should take care on them. Because now only it is under 16 is there, under 18 is there, under 19, under 21. That time only senior, no juniors also available. You had to play only senior. So that you had to do training because when I was very young, I started playing 65 ke baad. So aapne apne career ki shuruaat ki thi starting 60s mein aur 66-67 tak aap jo bade players the Hindustan mein aaj tak jo diye hain unke saath khelna shuru kar diya tha aapne. 66-67 mein I started playing with the top players. I was a back row defense player like T. Gopal was there, then Ramana Rao was there, Shyam Sundar Rao was there. You are all playing in Victory playground. So they used to take me as a big back defense karne ke liye. I was very young. So I was very happy that day because the great people are there. I am playing with them. So they all are always blessing me that you will become very good player, Sridharan. I said, sir, thank you very much. Every day. But one thing, I was going to school morning 10 to 3. After leaving, coming back home, throwing the book and directly going volleyball ground up to 7:30 sunset, because that time no flight late at all. Up to sunset, we used to play volleyball there. Very interesting life. So, Victory playground पर आपके idols कौन थे? बहुत सारी memories होंगी आपके पास उस समय की. मेरे को बहुत idol था एक राम मोहन राव. He was a setter in Indian University team. And he was a setter in South Central Railway. And I have seen him, he was the first man, I have seen him making diving and taking ball. Ram Mohan Rao is a great volleyball player. I often seeing him, mere ko lifter banna hai, to aisa banna hai. Wo kya first class pass dete hai. And that time, you know, 1964, there was a Nehru Memorial All India Volleyball Tournament in Victory Playground. So, 64, I was very young. I was helping the Punjab police team, BSF team. They came there for playing. I was taking ghee leke jana unko aur help karna. Then, I have seen Ballu sir and Nippi sir. And they used to catch my finger. I used to catch their finger and I used to walk with them. I was telling my mother, my father and all. I was catching my hold of my hand of Ballu and Nippi walking because they are the top player. Yeah, because Nippi 1964, he brought the Arjun Award there. He brought the Arjun Award in our ground. He kept the Arjun Award. So my aim was that I was always seeing that award. What is that? Everybody is seeing that. I'm also going and seeing, and I was very much happy to see the Ram Mohan Rao playing. So after that, my aim as fulfilled as Ram Mohan. Ballu sir को आपने सबसे पहले कहाँ देखा था? 1964 में in VPG, Victory Playground. Victory Playground में Nehru Memorial Volleyball Tournament हुआ था. उसमें मैंने देखा था first time Ballu को. He was a terror. He was a king of volleyball. 1964 में इतना form में है. बाल मारे तो बाल rebound होता ही नहीं. वहाँ से वापस आता ही नहीं. बल्लू के पास बॉल बन गया तो पॉइंट हो गया. देखो आपको लकी देखो. आई हैव सीन इन 64, आई प्लेड हिम विथ हिम इन 1978 इन एशियन गेम्स. क्या लंबे, क्या हाइट था और क्या पावर था हाथ में और क्या स्टाइलिश प्लेयर. एंड देन सेम वे निप्पी सर.
निफ्टी सर ऑल्सो ग्रेट प्लेयर, ए ग्रेट प्लेयर. दे सर ऑल दैट टाइम क्या होता था, अपोनेंट भी दे हैव वेरी गुड प्लेयर लाइक टी गोपाल वॉज द आंध्र प्रदेश, यू वॉज ए इंडियन टीम कैप्टन एंड ऑल. देन श्याम सुंदर वॉज देर इन द आर्टिलरी सेंटर, दे यूज टू प्ले. एंड कुट्टी कृष्णन वॉज देर ए ग्रेट प्लेयर. एंड दीज आर ऑल प्लेयर्स आर केम इन टू द इंडियन कैंप. आई हैव सीन देम, बट आई हैव सीन देर ओरिजिनल बिकॉज आई हैव सीन 1966 आई थिंक इन द सीनियर नेशनल्स इन हैदराबाद. आई वॉज अ वेरी यंग सिटिंग एंड वॉचिंग द फाइनल्स बिटवीन सर्विसेस एंड पंजाब. It was a fantastic volleyball match. So I was very much interested from my childhood onward and very much passion. Still I am having that learning because I always says learning volleyball. I am still learning only. I am not fulfilled my things and all. So Balwant Singh Ballu ke saath aap khele, pehla jo ball aapne lift kiya tha, kuch memories hain aapko yaad hai aaj ki, jab first time aapne unke liye ek ball banaya tha? Pakka yaad hai. 1978 में फर्स्ट कोचिंग कैंप इन पटियाला, एनएएस पटियाला था. मैं और एक दिनकरन बोल के मेरे साथ था एक रेलवे, हम दोनों गए चेन्नई से पटियाला गए कैंप के लिए. और कैंप में पहला दिन जाना है कैंप में, मैंने बोला है भाई साहब, क्योंकि ऑल द 74 दोस हु आर प्लेड इन टेरा नेशन गेम ऑल आर देर एंड 36 मेंबर्स आर देर, आई एम ऑल्सो वन अमंग देम. पहला बॉल मैंने पास दिए थे मेरे को, बल्लू साहब ने पास दो, मैंने मेरे को वो इतना हाई पास लाइक जगीर सिंह और लाइक अपना उनका नाम क्या है वो शक्ति सागर, ये लोगों को ऐसा पास नहीं बना, मैं छोटा पास बनाया. उन्होंने मेरा बोला कि मद्रासी वो लंबा दे दे पास, तू क्या मेरे को छोटा बुला रहा है, ऐसा मेरे को बोले. मैं बोला ठीक है सर, मैं हाइट दूंगा आपको, मगर वेरी डिफिकल्ट टू गिव ए पास टू बल्लू सर. So that was the first time, first session evening, Bucci Ramaya sir was the chief coach and Shyam Sundar sir was the assistant coach. I have given the pass. I was so lucky to people, the great people are, I am also among with them. They are all played, already played Indian team, top team, like Suresh Mishra ji and Kutty Krishnan. And then we have Jimmy George also was there. Josh Jad were there, AM Singh was there, great people were there. So I have given the Ballu pass, you know. After that, slowly, I learned and I brought the Ballu also little speed, not much speed, little speed. I also learned many things what he wants. Ab kaisa pass lete the wo? High pass tha, art ball tha, antenna ke saath juda hua tha ya thoda ruka hua pass tha? तो कुछ कुछ बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की कि वो कैसा बॉल उनको चाहिए होता था हिट करने के लिए एंड हाउ टफ इट वाज. बहुत मुश्किल है उनका पास बनाना है, उनका पास बनाना है स्ट्रेट हाइट बनाना है लंबा. उन्होंने वन लेग में आके मारते थे, दैट्स कॉल्ड स्लाइडिंग अटैक. नाउ उस टाइम में वन लेग में बहुत कम लोग एशिया में नंबर वन थे बल्लू सर. वो वन लेग में आके मारने के लिए यू हैव टू कीप अ स्ट्रेट हाइट बॉल. That is not possible with us because we Tamil Nadu always plays faster game, very faster. My 73 से national 77 तक fast game खेल रहा था. जैसे बल्लू साहब के साथ जाके join हुआ, मेरे को पहले टाइम बुचरा में साहब बुला के और शाम सर बुला के बोले, अरे भाई तू वो स्पीड मत करना, तू लंबा डालना, क्योंकि बल्लू के लिए टाइम होता है तो लंबा डाल, वो अच्छा मारेगा. Then slowly because you know pushing the ball is different. Make bend and give your power into thighs and make height. The height should go more than 30 feet. Antenna se aage pass nahi, antenna se aage because he has to come a curve, one leg curve, he has to come curve and he is a bombard karte the pass. Aur aur kya hai malum hai je, mere ko bahut happy hai when you give good pass, you know, he come and appreciate. Oh badhiya banaya madrasi, very good pass. So I was very happy. Oh, उस दिन अच्छा खाना खा के सोते थे क्योंकि बल्लू साहब ने बोल दिया वेरी गुड पास बनाया. क्योंकि वहां पर नियर अबाउट 8 setters थे, 8 setter में आप सिलेक्शन होके आना है. So you had to play according to the what the team players want. डांटते भी थे बल्लू सर, कभी डांट वांट पड़ी आपको उनसे? बहुत डांट पड़ा है भाई, बहुत डांट पड़ा है. बल्लू साहब डांटते भी आए, मारते भी थे, गुस्सा आ गया तो बहुत मुश्किल है. मगर सम टाइम वी आर सारी भाई साहब सारी सारी नहीं क्या सारी है. और बल्लू भाई साहब के पास एक चीज है,
कभी भी हार नहीं मानते, कौन सा भी टीम लो, मद्रासी तू आ गया ठीक है मगर जीतना, नहीं जीते तो मैं तेरे को मार दूंगा। हम लोग प्ले करते थे भाई जीत जाना अपोनेंट के साथ, क्योंकि बल्लू साहब नेवर वॉन्ट्स टू लूज एनी मैच, सो दैट वी वॉन्ट टू प्ले अकॉर्डिंग टू दम बिकॉज ही इज अ नंबर वन अटैकर एंड ही इज अ ग्रेट मैन, ही हैज ऑलरेडी प्लेड एशियन गेम एंड ही इज द ग्रेटेस्ट मैन इन द एशियन वॉलीबॉल। ओके नाउ वी हैव मीडिया एवरीथिंग वीडियो एंड ऑल, इफ रियली हैपन टू से विदाउट एनीथिंग देयर वाज अ टॉप प्लेयर्स हैव प्लेड इन इंडिया, मेनी टॉप प्लेयर्स हैव प्लेड। उनका एक अलग ही स्टाइल था बल्लू सर का, और इंडिया में ऐसे कौन से प्लेयर्स आपने देखे जिन्होंने उनको कॉपी किया या उनके स्टाइल को अपनाया? आई गेस सुधाकर मार्टिन वाज वन ऑफ देम। मेनी पीपल कॉपीड बल्लू सर, एवरी पीपल हैज टू कॉपी बिकॉज यू नो वी डोंट हैव एनी वीडियो और एनीथिंग। वो एक एंटोनी बोल के एक प्लेयर थे, एंटोनी फ्रॉम सर्विस सर, ही यूज्ड टू डू राउंड आर्म सर्विस, मेनी पीपल नाउडेज दे आर नॉट डूइंग। He used to do round arm service and then he used to get many points in the nationals. He was also a one leg attacker. Many people, you know, seen Ballu and changing themselves. And same like Ballu, one player came in South also. South also we have seen one player, Martin Sudhakar. He was a one leg attacker. He used to play one leg and he had joined in State Bank of India. He has also played very good. Because in his time, he has performed very well. My coach was Balaram, then Ramana Rao sir. So, Sham sir. I have seen 6 coaches in my life. Because it's Edwin. So, बहुत important information जो मुझे लगता है कि आप दे सकते हैं, बल्लू सर की reach कितनी थी? बहुत जरूरी है जानना नई generation के लिए. Because मुझे याद है कि सुखपाल सिंह की जो reach थी, that is like 358 centimeter. तो बल्लू सर की क्या उनसे ज्यादा थी, कम थी, कितनी रीच थी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब में सर रीच तो दब उतना रीच नहीं लेते थे, मगर भी क्या है आई फील दैट इट इज नियर अबाउट मोर देन 365 एंड देन आफ्टर बल्लू आई रियली से टू यू आफ्टर बल्लू आई हैव सीन द सेम रीच अवेलेबल वॉज सुखपाल सिंह फ्रॉम पंजाब। माई गॉड what a jump he had, really speaking he was a man standing on the air and laughing and hitting, very powerful attacker Sukhpal Singh, wo bhi gussa aadmi hai, Punjab wale pure gusse ka aadmi hai। Aur first senior nationals aapne kis year mein aur kis state ke liye khela? In 1970 I joined in Post and Telegraph, that is a casual labor work. Then I played in 1970 departmental nationals and we got a silver medal, Indian PNT. We got a silver medal and then afterward, Mr. Ramana Rao was in South Central Railway. He went and joined in the State Bank of India in Chennai. Then he called me from Hyderabad to Chennai, then that time Madras. Then I went there Madras, I joined in State Bank of India and I played first nationals while it was in I think Hyderabad in 1973. Hyderabad I started up to 1990. I played nationals, but in between 5 years I was in abroad. Otherwise, always played for senior nationals. Played for Tamil Nadu only, entire senior nationals. And we had a very good team in Madras. That was State Bank of India. The great players had played in State Bank of India. That was one of the best. Which I stepped up and then slowly I went up into the volleyball. So 25 साल के आपके करियर में बहुत सारी यादें होंगी आपके पास, और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मोमेंट है आपकी लाइफ की वो मुझे लगता है कि इज इट लाइक एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल? यस इट वॉज एशियन गेम्स वॉज फैंटास्टिक। व्हाई आई एम टेलिंग एशियन गेम्स वॉज फैंटास्टिक, दिस टीम इज प्लेइंग इन साइड बेटर देन द टीम वॉज सिटिंग आउट साइड, बिकॉज the six was playing was Dalil Singh, Meher Singh, Sandeep Sharma, PV Ramana, Cyril and Uday. Fantastic, very good team. Outside sitting is Jimmy Judge first is outside, afterwards only went inside. Jimmy Judge, myself, Kirtish, Sukhpal Singh, Abdul Basit and I think Karimullah. So, this six, entire six, every time ready
to go inside and play. This was the greatness of Achyuta Kurup sir, a coach. He used to tell, my playing team is not better. My sitting team is better than my playing team. Really speaking, all the players, those who have played in 86, fantastic, they have given performance. Because I was sitting outside only. I went only last game, because Dalil got little ankle pain or something. And I played one set, but I have seen that Jimmy performance. I have seen the Cyril performance, Uday performance, and P.V. Ramana, the fast counter-attacker. P.V. Ramana jaisa marta tha, waisi abhi P.V. Sindhu maar rahi hai. Same attack. Same action. P.V. Ramana action is P.V. Sindhu action. Fantastic, they're all. Because you know why I'm telling? Dalil Singh was one of the best setter in India at that time. Because all the players, you know, they played. Sandeep Sharma played wonderful performance. Wonderful performance. Because, you know, not only with Japan, even with Korea, even with China, they performed top class. And they got a bronze medal. After that, we are fighting. 28 years gone, still we are fighting to get a medal in Asian Games. आपका और दलेर सिंह का जो खेलने का स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था. वो हाई पास खिलाते थे, थोड़ा गेम को स्लो रखते थे और आप बहुत ज्यादा स्पीड खिलाते थे. तो ये जानना चाहते हैं हम लोग कि जब एक सेटर सब्स्टिट्यूट होता है जो बिल्कुल जिसका खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है और वो जब अंदर जाता है, मान लीजिए अगर दलेर सिंह खिला रहे हैं हाई बॉल को और आप अंदर चले गए, आपका खिलाने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो एडजस्ट कौन करता था? आपको करना पड़ता था कि आपको स्पीड से हाई पास खिलाना पड़ता था या प्लेयर्स एडजस्ट करते थे? This is the best thing that both the setters should have separate volleyball. Then only you will have advantage. Because when I go inside, I will play faster. When the team come into the puzzle, then Dalil come, he play safe game and he win the match. Because, you know, I learned many things when I'm playing also as a coach. I have seen that make little slow the team, but very confidence he is having, he will get the game, he will get the set. When I go, I play with the speed with the team so that I make many mistakes. So that it was a very good understanding between me and Dalil. Really speaking, only because of Dalil, I played longer years in Indian volleyball. Because he always says, Anna, you are there, I am there. I used to say, you are there, I am there. We used to fight in the training. And we used to be very good in the competition. Really speaking, many, many players we have seen. 3-4 generation we have seen myself and Dalil as a setter. 4th generation gone.